हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक PNID ड्राइंग कैसे स्टडी किया जाता है आपको हम सिखाएंगे। आज हमारा फर्स्ट काम होता है कोई भी साइट पे आके उसका PNID देखना पड़ता है। तो PNID क्यों देखते हैं? तो PNID में हमारा कितना कितना इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स हमारा लगने वाला है तो उसमें हमको पता चलता है। तो ये कि हमारा एक फ्लू गैस पाथ का बॉयलर ABC बॉयलर का PNID है। तो ABC बॉयलर में कितना पाथ्स होते हैं वो आपको हम अलग वीडियो में बताएंगे। तो आज दिखाने जा रहे हैं फ्लू गैस एक पाथ होता है तो उसका हम आपको PNID दिखा रहे हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपको FD फैन से। ये हमारा दो FD फैन, इधर दो FD फैन है। तो FD फैन के बाद हमारा देखिए इधर जो टैपिंग है, डाप ट्रांसमिटर का DT लिखा है, डाप ट्रांसमिटर है और DTP है, उसको डाप टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए एरोफॉयल है, एरोफॉयल उसके साथ एक फ्लो ट्रांसमिटर होता है। ये फ्लो क्या करता है, FD फैन कितना एयर हमारा बॉयलर को दे रहा है तो वो FT301 जो हमारा टैग है इसके थ्रू हमको पता चलता है। तो इसके बाद देखिए फिर हमारा जो DT का टैग लगा हुआ है, DTP मतलब टेम्परेचर टेस्ट पॉइंट। तो ये टेस्ट पॉइंट क्या होता है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगा नहीं रहता है हमारा, ये फर्दर यूज़ के लिए है। अगर हमको इस जगह का टेम्परेचर और ड्राफ्ट चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है हमारा इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो ये टेस्ट पॉइंट हमारा काम आता है। तो इसके बाद ये हमारा चले जाते हैं देखिए APH में। APH में क्या करते हैं, APH का इधर से देखिए एरो का जो निशान है इसके थ्रू हमको देख के पता चलता है ये हमारा, ये कैसे हमारा डायरेक्शन दिया जाता है। एरो देखिए और एक देखिए HPH को बाईपास करने का भी एक सिस्टम दिया है, एक इसमें हम लोग का RPC लगा के रखा है। देखिए इसमें RPC लिखा हुआ है, RPC डैम्पर होता है, डैम्पर में RPC होता है। RPC क्या होता है, रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर। तो ये हमारा APH हो गया, APH के थ्रू हमारा एयर जा रहा है। एक तो हमारा APH का AR को हम PA फैन में लेके चले जाते हैं, ये हमारा PA फैन में आ गया, ये देखिए PA फैन में आ गया। PA फैन क्या करते हैं, हमारा प्राइमरी AR प्रेशर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये PA फैन के थ्रू हमारा, ये देखिए जो हमारा कोल बंकर होता है, बंकर में जो फ्यूल गिरता है, जो फ्यूल गिर रहा है, तो ये हेडर प्रेशर के थ्रू इधर भी डैम्पर लगा के रखे हैं, ये डैम्पर ओपन हो जाता है तो ये हवा हमको प्रेशराइज्ड हवा यार इधर इधर सेंड करते हैं हमारा फ्यूल को हमारा फर्नेस में। तो ये PA हेडर का काम होता है। और बाकी एक लाइन देखिए, बाकी जो हमारा एक लाइन है जो APH से गया है, ये हमारा APH क्या करते हैं, ये हमारा FDAR हेडर जो होता है FDAR में सेंड करते हैं। इधर दो साइड में FD हेडर लिया है तो ये दो FD हेडर से हमारा जो बेड का नीचे हमारा एयर हेडर होता है तो एयर हेडर में ये प्रेशर बना के रखते हैं। तो इसके थ्रू हमारा फ्लूडाइजेशन होता है, बेड में जो बेड मटेरियल होता है उसको फ्लूडाइज करते हैं। और ये देखिए ये हमारा बेड में कितना थर्मोकपल लगा हुआ है उसका टैग है। ये हमारा स्पर्जर टाइप हॉपर टाइप बॉयलर है तो इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है, ये स्पर्जर बोलते हैं इसको। तो स्पर्जर के बीच में हमारा ये टेम्परेचर का थर्मोइल घुसा रहता है इसमें, ठीक जैसे हमारा ड्राइंग में शो कर रहा है। तो इसके थ्रू हम बेड का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। और ये हमारा फर्नेस एरिया है, फर्नेस में इतना हमारा ड्राफ्ट ट्रांसमीटर थर्मोकपल ये लगा हुआ है, ये टैग देख के हमको पता चलता है। और ये देखिए ये रेडिएंट सुपर हीटर, SH मतलब सुपर हीटर और कॉन्वेक्शन सुपर हीटर, ये दो टाइप के हमारा सुपर हीटर होता है। इस एरिया में भी हमारा जितना टैपिंग है इसके थ्रू हमको पता लग जाएगा। इसके बाद फिर हम आते हैं जो फ्लू गैस हमारा जा रहा है, देखिए फ्लू गैस अभी इसके थ्रू हमारा आएगा इकोनोमाइजर पे, देखिए इकोनोमाइजर पे आ गया, इकोनोमाइजर पे आ गया।
इकोनोमाइजर आने के बाद जितना टैपिंग है इधर देख लीजिए, फिर इकोनोमाइजर के बाद हमारे एपीएच में आते हैं। इकोनोमाइजर और एपीएच बीच में हमारे ऑक्सीजन एनालाइजर होते हैं। ये जो ए लिखा है ए मतलब ऑक्सीजन एनालाइजर। उसके बाद एपीएच में आता है। एपीएच के बाद देखिए हमारा ईएसपी में चले जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। उसके बाद हमारा देखिए आईडी फैन में आ रहा है, ये हमारा आईडी फैन है। ये आईडी फैन के थ्रू हमारा ये चिमनी, चिमनी में चले जाता है, चिमनी के थ्रू हमारा एटमोसफियर में चले जाता है। तो ये हमारा एक फ्लू गैस पाथ का पीएनआईडी होता है। पीएनआईडी मतलब पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग, हमारा ए बी सी बॉयलर का। तो हम अभी कंपनी का नाम नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको ड्राइंग का टैग का हिस्सा हम आपको नहीं दिखाया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।